ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका एक पार्ट थोड़ा सा रह गया था, वो ये है कि हमने बच्चे के कैरेक्टर की कुछ चीज़ें नोट की कि यार हम बच्चे में ये कैरेक्टर इंकल्केट करना चाहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बच्चे में खुददारी भी हो, बच्चे में दयानतदारी भी हो, लेकिन उसको रज़ाइल का भी पता हो कि मैंने झूठ से बचना है फलां। ये बात अपनी जगह पे हमने काफ़ी डिस्कस की और इस पर काफ़ी डिटेल में टीम ने काम किया हुआ था। लेकिन फिर टीचर के भी तो होने चाहिए कि टीचर में क्या खूबियाँ होंगी तो वो टीचर काम का होगा, क्रिटिकल खूबियाँ। तो माँ में फिर क्या खूबियाँ होंगी कि वो माँ काम की होगी। तो माँ की खूबियों में हमने तीन चीज़ें डिफाइन की। सादा सादा फ्रेमवर्क होने चाहिए, फ्रेमवर्क जब पाँच से ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो फिर वो यूज़ेबल नहीं रहते। तो फ्रेमवर्क हमेशा तीन चार पाँच चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इस्लाम में है कि ये पाँच चीज़ें बुनियाद हैं, ये पाँच चीज़ें। तो एक तो है कि वो शुक्र, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने बात शुरू की है ना कि शुक्र अदा करो। शुक्र के जितने भी तरीके हैं और हम नाशुक्री में क्यों चले जाते हैं। अब देखें अल्लाह ताला की नेमतें तो एक इन्फिनिट सेट है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ला तहसौह, तुम गिन ही नहीं सकते मेरी नेमतों को। ठीक, तो नेमतों का एक ह्यूज पार्ट तो हमसे हिडन ही रहता है, हमें सिर्फ थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन तफक्कुर करें तो उससे और उससे और उससे और नज़र आता है कि यानी कि वो बढ़ता ही जाता है कि अच्छा ये चींटी भी मेरी मदद कर रही है, और ये हवा भी मेरी मदद कर रही है, और ये समुंदर भी मेरी मदद कर रहा है, और ये पहाड़ भी मेरी मदद कर रहा है। इतनी चीज़ें मिल के तब मेरा एक लुकमा बनता है। तो वो तशक्कुर किससे आएगा? आपको मज़ाहिर फितरत को, अल्लाह ताला की मखलूक को, किस तरह से वो काम में लगी हुई है, किस तरह से मुतनासिब सिस्टम है, किस तरह से बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स में एक भी चेंज नहीं, तो उससे समझ आएगा। और कुरान बार बार उधर दिलाता है सीरू फिल अर्थ कई फकान आकबतुल कई फकान बदाउल खल्क, मैंने कैसे दुनिया पैदा की जाके देखो। वो शुक्र, और आज की नाशुक्री माँ नाशूजी की तरफ गई हुई है, शुक्र की कमी है। घरों में लड़ाई शुक्र की वजह से है, उसको वो ये नहीं नज़र आता कि रिश्तों की कदर क्या है, उसे ये नज़र आता है कि हमने गाड़ी का दूसरा वर्जन क्यों नहीं लिया। शुक्र की कमी की वजह से घरों घर उजड़ी जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें बसीरत हो, विजन, लेकिन बसीरत वो काने वाली ना हो कि उसे एक चीज़ का तो पता है कि इस्लाम सबसे अच्छा है, लेकिन वो आगे ये बता नहीं सकती कि आगे बच्चे को कुछ हेल्प नहीं कर सकती। बसीरत, विजन प्रॉपर। तीसरी जो बात हमने की थी वो क्या थी कि उसकी कुव्वत बयान ठीक हो। हमारी माएँ, कम्युनिकेशन इंसान की सबसे बड़ी फैकल्टी है, कुरान में ये लिखी हुई बात, अल्लामहुल बयान, हमने उसे बयान की फैकल्टी दी। अब बयान का मतलब यह है कि मेरे बोलने का गलत लहजा भी मेरी बदअखलाकी का एक इंडिकेटर है, और मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स भी, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी, मैंने बच्चे को क्या नरमी सिखानी है, अगर मुझे तो मैंने बच्चे को क्या लिसनिंग सिखानी है। इल्म के हासिल करने के यही मदारिज हैं, खामोशी, उसके बाद लिसनिंग, उसके बाद समझना, याद करना, उसके बाद अमल करना, और उसके बाद फैलाना। ये पांचों मराहिल तक जो नहीं पहुंचता, इल्म उसको कुछ नहीं देता। तो ये माँ के थ्रू ये आने हैं कि बच्चे नहीं आजान हो रही है, खामोश रहें। तो ये जो है ना शुक्र और विजन और कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये माँ में होगी तब बात बनेगी। और ऐसी हमारे पास करोड़ों माएँ हैं जो बीए करके एफए करके घर में बैठी हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाए फॉलोड बाय अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस के पर ढेर सारे उनके लिए तरबियती प्रोग्राम लगातार हूँ कि मैं ये भी सीखना चाहती हूँ, ये भी सीखना चाहती हूँ, ये भी सीखना चाहती हूँ। मना शुद्ला नस्तुक।